तो भाई बहुत ही अच्छा से यहाँ हर एक साल ना कुछ अद्भुत सा एकदम अलग सा ही पंडाल बनता है। इस बार भी कुछ अलग सा ही पंडाल बन रहा है और साल ना कुछ अलग ही अद्भुत सा निशानी ये छोड़ जाते हैं। यहाँ पे जो भी भैंसासुर का ये मंदिर बन रहा है ना, दुर्गा माता का पंडाल, ये हर एक साल कुछ अद्भुत सा ही सीन छोड़ जाते हैं। इस बार ही कुछ अलग ही बन रहा है। तो सोसराय में और सोसराय का एक यूनिक सा पंडाल जो कि हर साल बैठते दोनों साइड से, एक उस साइड बैठती है तो एक इस साइड बैठती है। तो ये पंडाल देखने के लिए आपको सब्र करना पड़ता। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज, आज हम लोग दिखाने वाले हैं बिहार शरीफ का पूरा सारा दुर्गा पंडाल दिखाने वाले। जो भी दुर्गा जी का पंडाल बन रही है ना हर जगह, बिहार शरीफ का सारा पंडाल दिखाने वाले आप लोगों। तो प्लीज गाइज वीडियो में बने रहना, और काफी दिनों से अपना वीडियो नहीं आ रही थी उसका कारण भी आपको वीडियो को एंड में बताने वाले। तो प्लीज गाइज वीडियो में बने रहना, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। तो चलो आपको डायरेक्ट लेके चलते हैं पंडाल के पास। गाइज ये रामचंद्रपुर बस स्टैंड के पास का है, ये दुर्गा माता का देख सकते हो आप लोग, दुर्गा माता का पंडाल है बस स्टैंड के बिल्कुल ही बाजू में। और यहाँ से अंदर जाओगे ना तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेंगे, लाइक अभी जोरों शोरों से काम चल रही है। अभी मैं भी मानू ना तो ये आज 5 तारीख को अपन लोग वीडियो बना रहे हैं, तो आज क्या मैं तीसरी दिन या फिर चौथी दिन होगा मे बी अराउंड, मेरे को उतना टाइम नहीं पता। और ये देखो रामचंद्रपुर का यहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा है, और अभी हम लोग रामचंद्रपुर बस स्टैंड के बिल्कुल पास में ही हैं। तो अभी चलते हैं और फिर आपको दूसरा पंडाल दिखाते हैं। गाइज यहाँ पे देख सकते हो गाइज ऊपर से कैसे काम चल रही है टेंट पे, रामचंद्रपुर में अभी हैं आप लोग। और ऊपर की साइड देखो ना, उस तरफ ट्रेन यहाँ पे है, तो आप लोग रामचंद्रपुर में ना यहाँ बनने के बाद काफ़ी अच्छा हो जाएगी। तो आपको 9वीं 10वीं को भी मेला दिखाएंगे आपको, कैसा इधर का मतलब भीड़ कैसा होता है ना वो भी आपको दिखाएंगे। और फिर यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसा बाहर के साइड से दिखता है, क्योंकि रात में ना ये सारी लाइट जल। रोड देखो ना तो काफी अच्छे से बिल्कुल अच्छे तरीके से डेकोरेट हो चुकी है, और उस तरफ से एंट्री गेट बन चुकी है, और पीछे के साइड से भी एंट्री गेट थी जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया। बट इधर के साइड से ना आप लोग देखो ना तो कुछ आगे से मैं आपको एंट्री गेट दिखाता हूँ कैसा बन रहा है जो। सो गाइस ये देखो, ये कुछ ऐसा ही एंट्री गेट है, वहाँ पे लिखा जाएगा रामचंद्रपुर दुर्गा माता। गाइस अभी हम लोग कोलकाता बाजार के पास आ चुके हैं, स्मार्ट बाजार, और यहाँ पे अपना मछली मार्केट के बिल्कुल बाजू में एक दुर्गा पंडाल बन रही है, दुर्गा माता का पंडाल। वो मैं अभी आपको अंदर के साइड से जाके दिखाता हूँ कैसा पंडाल है। तो गाइस ये देखिए, ये मछली मार्केट के बिल्कुल बाजू में ये दुर्गा माता का एक पंडाल बन रहा है जो कि काफी अच्छा देखने में लग रहा है। आप देख सकते हैं गाइस कुछ इस प्रकार बन रहा है पंडाल, और यहाँ पे ऊपर का व्यू देख रहे हैं, कुछ अलग सा ही व्यू है। ये देखिए आप लोग यहाँ पे आई साइड देखे ना तो कुछ इस प्रकार लगता है इसमें पानी रखा जाएगा ऐसा कुछ, और यहाँ पे दुर्गा माता बैठेंगे। अभी नहीं बैठे, प्लस इधर देखिए सारे श्रद्धालु पूजा भी करते, प्लस यहाँ, और यहाँ पे देखिए ऐसा बनाया जा रहा है ना कि यहाँ पे पानी शायद आएगी, कुछ ऐसा आने वाला पानी, और वहाँ पे सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं अभी। ये अपना दुर्गा माता का पंडाल देखिए पहले आप लोग, ये बिल्कुल नाला रोड पे ही है, और ये दुबई का जो भी शिव मंदिर है ना बिल्कुल उनके ही आधार पे ये दुर्गा माता का पंडाल बन रहा। लाइक आप लोग देख सकते हैं, दुबई में जो भी गए होंगे ना शिव मंदिर, उनको पता होगा ये बिल्कुल ही दुबई के शिव मंदिर के आधार पे बेस पे बनाया गया है। ये यहाँ पंडाल बन रहा है दुर्गा माता का, आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ भी प्रारूप दुबई की हिंदू मंदिर शिव मंदिर के आधार पर ये बनाया गया, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं एकदम डिटो मैच कर रहा है गाइस। तो यहाँ पे भी तो अंदर सारा कुछ काम ये भी चल रहा है, और जो भी होगा 3-4 दिन में सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे कुछ लेडीज लोग अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी भजन ये सब लोग भराव पे गांधी मैदान के पास आ चुके हैं। लाइक ये अपना गांधी मैदान है, और इधर का दुर्गा माता का पंडाल अभी आपको दिखाने वाले गांधी मैदान के बिल्कुल बाजू में ही, पीछे के साइड बैठ रहे एक दुर्गा माता, वहाँ का पंडाल अभी आपको हम दिखाते हैं गाइस। तो यहाँ का देख सकते हैं कुछ ऐसा सजावट था, पीछे की साइड देखो ना तो पूरा लाइटनिंग से सजाया हुआ, और इधर की साइड देखो यहाँ पे अपना दुर्गा माता बैठने वाले हैं। ये कुछ ऐसा पंडाल है, और ये पंडाल आपको गांधी मैदान के बिल्कुल बाजू से ही मिलेगी। भराव पर के थोड़ा सा आगे आओगे ना तो गांधी मैदान, और वहाँ से बिल्कुल बाजू में ही आओगे ना तो ये अपना दुर्गा माता का पंडाल मिल जाएंगे आपको। अंदर के साइड जाके दिखाते हैं दुर्गा माता को, क्योंकि यहाँ पे अलाउ कर दिए अपने को वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ से अपन लोग अंदर आए, और यहाँ पे देखिए दुर्गा माता है। लाइक ये अपना जो भी भराव पर के आगे आओगे ना तो आपको गांधी मैदान मिलेंगे, उसके बिल्कुल ही थोड़ा सा अंदर आओगे तो ये दुर्गा माता का पंडाल दिखेंगे जो कि एकदम गोल्डन तरीके से एकदम है। देख सकते हो गणेश जी हैं, ये कौन है मेरे को नहीं पता, भगवान जी के बारे में नाम नहीं पता तो नहीं बोलूंगा। ये अपना दुर्गा माता प्लस ये सारा कुछ आप लोग देख सकते हो, सारा गोल्डन कलर से है। गांधी मैदान आना तो ये पंडाल एक बार जरूर देखना गाइस, क्योंकि काफी अच्छा ये पंडाल है, बहुत ही अच्छा पंडाल है। तो ये मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगे ये पंडाल। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट पंडाल की तरफ चलता हूँ, और फिर वहां पे दिखाता हूँ गाइस।
हम लोग आ चुके हैं पोस्ट ऑफिस मोड़, बिल्कुल नालंदा महिला कॉलेज के बिल्कुल ही सामने में। लाइक ये देख सकते हैं नालंदा महिला कॉलेज है, और यहाँ पे अपना दुर्गा माता का पंडाल यहाँ पे भी एक है, यहाँ भी आप लोग आके देख सकते हो गाइस। ये कुछ ऐसा पंडाल है, और यहाँ पे देखिए तो अंदर दुर्गा माता बैठे हुई है, लेकिन अभी पर्दा नहीं खोला गया क्योंकि कुछ और भी काम चल रही है यहाँ पे। तो अभी अपन लोग बिल्कुल पोस्ट ऑफिस मोड़ के बिल्कुल पास में ही है, नालंदा महिला कॉलेज के सामने पोस्ट ऑफिस मोड़ पे। तो यहाँ भी दुर्गा माता का पंडाल है और अंदर माता जी बैठे हुए हैं, ले रहे हैं ना भराव पर से जो अपन लोग पोस्ट ऑफिस मोड़ है ना उससे अंदर के साइड भैंसासुर वाले मोड़ की तरफ जा रहे हैं। और इधर का कुछ व्यू देखो गाइस कुछ ऐसा है। सो गाइस ये वंदना हॉल के बिल्कुल पास में ही है, लाइक काशी तकिया से पहले, भैंसासुर से पहले और पोस्ट ऑफिस मोड़ से अंदर थोड़ा सा है। यहाँ पे दुर्गा माता बैठे आप लोग देख सकते हो। वंदना हॉल ये थी जो कि बंद हो चुकी है गाइस, इसका क्या कारण है वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। बस आप लोग ये देखो इधर दुर्गा माता बैठे, और ये अपना दुर्गा माता जी का पंडाल है, दुर्गा जी का ये दुर्गा माता का पंडाल है। और कुछ ऐसा भीड़ भी अभी है, पुलिस से सब सारा कुछ यहाँ पे रहते हैं। इधर के साइड देखो अपना टेंट कुछ ऐसा है, लाइक ऊपर का डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा हो रखा। और अभी हम लोग भराव पर और भैंसासुर के बिल्कुल बीच में खड़े हैं काशी तकिया से पहले, और यहाँ पे अपना दुर्गा माता का पंडाल है। लाइक ये वाला मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है पंडाल, क्योंकि यहाँ का सजावट देखो ना तो काफ़ी अच्छा लग रही है। यहाँ का सजावट भी ये देखो, लाइटनिंग है सब, कितना अच्छा लग रहा है, देख रहे हो ना। अभी हम लोग गुफा पर आ चुके हैं, और गुफा पर का दुर्गा माता का पंडाल कुछ ऐसा है, लाइक यहाँ पे भी अच्छा से बना नहीं है। बस अभी बहुत टाइम है गाइस, लाइक 4-5 दिन है ना, 5-6 दिन है, तो 5-6 दिन में शायद डायरेक्ट दुर्गा माता का जो भी होंगे वो यहाँ पे आके रखाएंगे, उसके बाद पूजा पाठ स्टार्ट हो जाएगी, लाइक अपना मेला घूमना स्टार्ट होगी। तो ये अपना गुफा पर का सीन है, आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा पंडाल है, प्लस उधर के साइड से ना डेकोरेशन काफ़ी अच्छा थी। आज अभी आ चुके पुल पे, और फिर भीड़ आप लोग देख सकते हो, जगह के नाम से आप लोग मतलब जान सकते हो भीड़ कितना होगी, प्लस नाम नहीं बताया ना तो आप लोग भीड़ देख के ही बता सकते हो यहाँ पे कितना भीड़ हो सकती है, क्योंकि बिहार का सबसे कंजेस्टेड एरिया पुल पर ही है गाइस। काफ़ी ज़्यादा जाम लगती है, रोड पतली और जाम बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे पंडाल देखो ना तो कितना मस्त वाला पंडाल बना, वो मैं अभी आपको आगे जाके पंडाल के पास ही दिखाता हूँ गाइस। सो गाइस ये देखिए पुल पर का है दुर्गा माता, प्लस यहाँ का पंडाल देखो ना तो काफ़ी एकदम अच्छा है, प्लस अंदर से काम चल रही है दुर्गा माता का, जो भी सारा कुछ अभी अंदर चल ही रही है काम। और यहाँ से आप लोग दुर्गा माता देख सकते हैं, कुछ ऐसा भी अच्छे से नहीं हुए, बस थोड़ा बहुत ही तैयार हुए, प्लस काम भी चल रही है अभी दुर्गा माता को। प्लस यहाँ का पंडाल देखिए ना तो काफ़ी अच्छा सा पंडाल एकदम, ये देख रहे हैं पंडाल। यहाँ पे ना पुल पर ना हर एक साल कुछ अलग ही लेवल का पंडाल बनती है गाइज। और फिर अभी जो नेक्स्ट आने वाली है ना भैंसासुर का पंडाल, वो भी आप लोग देखोगे ना तो बोलोगे भाई क्या ही पंडाल बनती है। तो अभी अपन लोग पुल पर है, और पुल पर अपना दुर्गा माता का पंडाल आपको दिखा रहे हैं, और अभी इसके बाद अपन लोग जस्ट मिलेंगे भैंसासुर का पंडाल के पास। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा पंडाल है, तो अभी यहाँ से चलते हैं और फिर भैंसासुर में मिलते हैं गाइस। फाइनली गाइस अभी हम लोग भैंसासुर आ चुके, और ये देखो भैंसासुर का दुर्गा माता का पंडाल, जो कि भैंसासुर काली मोड़ के नाम से जाना जाता है। और फिर यहाँ पे हर एक साल ना कुछ अद्भुत सही मूर्ति बनती है, अद्भुत सही पंडाल बनती है। और इस बार तो पंडाल की ओर देखो ना तो भाई चट्टान चट्टान सा एकदम दिख रहा होगा, लाइक छोटा छोटा बड़ा बड़ा सा चट्टान, और उसके अंदर दुर्गा माता बैठेंगे, जो भी अपना दुर्गा माता काली माता बैठेंगे वही बैठेंगे। प्लस पंडाल देखो ना अभी पूरा इनकम्प्लीट है, लाइक इतना ज़्यादा इतना अच्छा वाला पंडाल बन रहा है ना कि भाई काम करने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रही है। प्लस ये देखो ऊपर जा रही है पेंट करने वाली, क्योंकि वो जो भी चट्टान बने थे उसको पेंट भी तो करनी है ना, तो वही पेंट करने वाली मशीन है वो जा रही है। प्लस यहाँ के साइड जाम काफ़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि हेवी व्हीकल्स सारा व्हीकल्स पास होते हैं ना, तो जाम तो लगना ज़रूरी है। और फिर ये अपना कुछ ऐसा सीन आ रहा है दुर्गा माता का पंडाल का, देख रहे हो कितना बड़ा एरिया में बना के रखे हैं। प्लस अंदर के साइड अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कैसा सीन है। सो यहाँ से आप लोग ऐसे जाओगे ना तो यहाँ से एंट्री, जिनका भी घर है ना इसके अंदर, तो कुछ ऐसा एंट्री का सीन है, लाइक यहाँ से अंदर जाओगे और कुछ अंदर जिनका घर है वो अंदर सामने की साइड चले जाएंगे, वरना पंडाल में जाना हो ना तो आपको लेफ्ट साइड जानी पड़ेगी। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जनरेटर सब रखा है, आप लोग ले सकते हो। यहाँ से अंदर आओगे ना तो कुछ ऐसा जाने का रास्ता है, प्लस यहाँ पे ऐसा कुछ बंदा स्थापना हुई थी वो कलश यहाँ पे, और यहाँ से अंदर जाओगे ना तो भाई बहुत ही अच्छा से, यहाँ हर एक साल ना कुछ अद्भुत सा एकदम अलग सा ही पंडाल बनता है। इस बार भी कुछ अलग सा ही पंडाल बन रहा है, और यहाँ पे अपना दुर्गा माता का साइड से ऐसे आओगे ना तो यहाँ पे और भी काम सारा चल रही है अच्छा से। यहाँ पे देखो पेंटिंग वेंटिंग चल रही है, और यहाँ पे क्या सीन है मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा अभी। तो यहाँ पे जो भी कुछ ऐसा सीन है भाई, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बनते हैं हर एक साल ना, कुछ अलग ही अद्भुत सा निशानी ये छोड़ जाते हैं यहाँ पे। जो भी भैंसासुर का ये मंदिर बन रहा है ना दुर्गा माता का पंडाल, ये हर एक साल कुछ अद्भुत सा ही सीन छोड़ जाते हैं, इस बार ही कुछ अलग ही बन रहा है।
तो ये तो भाई कुछ ऐसा बन रहा है। और अभी अपन लोग भैंसा सुर से निकलते हैं और अभी बहुत सारा पंडाल दिखाने है, तो अभी निकलते हैं और फिर आपको दूसरा पंडाल दिखाते हैं गाइस। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, प्लस यहाँ के साइड देखो ना, तो अपना ये कौन सा भाई क्या कर रहे हैं ये, अब नवरात्रि पर वो लोग भी बेटियाँ ढूंढेंगे जो लोग बेटियों को पैदा होने पर मुंह बना लेते हैं। बात कड़वी है पर सच है। GDS टैडी, ये टैडी वाला ही हमेशा वीडियो बनाते हैं। तो ये देखो इनका कुछ सिंबल ऐसा है और ये हमेशा ही कुछ ना कुछ नया नया प्रचार करते हैं, क्योंकि इससे पहले बार ना मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था जो कि यहाँ ये लोग ना भाई सोच रहे हैं मोड़ते हैं वीडियो बनाते हैं, तो उस टाइम भी अपन लोग वीडियो बना के पोस्ट नहीं कर पाए थे अभी अपने पास है, लेकिन पोस्ट नहीं किए थे। और अभी अपन लोग यहाँ से निकलते हैं गाइस, मोहद्दी नगर आ चुके हैं और ये मोहद्दी नगर का ये पंडाल है जो कि अभी तो कवर हो चुके हैं। और यहाँ पे अपना कलश जो भी स्थापना हुई थी, कलश आए के साइड से भी आपको दिखाते हैं, कलश स्थापना हुई है और ये अपना मोहद्दी नगर का पंडाल है दुर्गा माता का। यहाँ का मूर्ति का ना चर्चा हर जगह होती है, तो जब मूर्ति बैठेंगे ना उस टाइम भी आपको दिखाएंगे। और फिर ये लाइक यहाँ पे कलश का स्थापना हुआ था और यहाँ पे अपना मेन पंडाल है दुर्गा माता का मोहद्दी नगर का गाइस। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अंबेर चौक और यहाँ पे अपना पंडाल देख सकते हो, कुछ ऐसा बन रहा है दुर्गा माता का पंडाल। और यहाँ पे कुछ ऐसा बन चुका और यहाँ पे जो भी दुर्गा माता का मूर्ति आएगी ना, वो बना बनाया मूर्ति आएगी, डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ स्थापना किया जाएगा मूर्ति का। तो कुछ ऐसा यहाँ का पंडाल है चौक कचहरी का, यहाँ पे कुछ ऐसा पंडाल है गाइस। यहाँ पे जब सारा कुछ कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे मूर्ति लाया जाएगा और फिर यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। टिकली पर आ चुके हैं, लाइक टिकली पर का जो रोड है वहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे अपना दुर्गा माता का पंडाल कुछ ऐसा है गाइस। टिकली पर जो तालाब है ना, बिल्कुल वहीं पे दुर्गा माता का पंडाल बन रहा है। तो ये टिकली पर का तालाब के पास से दुर्गा माता का पंडाल कुछ ऐसा बना हुआ है गाइस। और यहाँ पे अभी मूर्ति नहीं बैठा, स्थापना किया गया, शायद कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद मूर्ति ला के स्थापित किया जाएगा गाइस। तो गाइस एक ये पंडाल है मोगल कुआं बिल्कुल मोड़ पे ही और यहाँ पे अभी गीत हो रही है, शाम का टाइम है तो गीत होगी। और ये पंडाल कुछ ऐसा है गाइस, मोगल कुआं का ये पंडाल है। और फिर यहाँ का देखो ना, तो ट्रैफिक लाइट के कारण कभी कभी जाम भी लग जाती है, बट अभी सही है। और यहाँ का पंडाल का नज़ारा कुछ ऐसा है। आ चुके मोगल कुआं देवी स्थान, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एंट्री ही जब ऐसा अच्छा है तो अंदर के साइड कैसा पंडाल होंगे आप लोग देख के ही बता सकते हो गाइस। तो अभी अंदर चलते हैं मोगल कुआं देवी स्थान की तरफ, अंदर की ओर चलते हैं और फिर वहाँ का पंडाल दिखाते हैं गाइस। तो गाइस एंट्री लोगे ना तो कुछ ऐसा सीन आएगा, अंदर के साइड से रेड पट्टी ये सब दिया हुआ, भाई अच्छा लग रहा है यहाँ का सीन। और फिर अंदर के साइड अभी देखते हैं पंडाल कैसा है। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मोगल कुआं देवी स्थान की तरफ और फिर यहाँ का पंडाल देखो ना तो कुछ ऐसा है, लाइक अंदर के साइड दुर्गा माता है और बाहर से कुछ ऐसा पंडाल है, देख सकते हो कुछ ऐसा वैसा नज़ारा आ रहा है। लाइक मेन रोड से अंदर आओगे ना, नहीं भी तो मानो 50 मीटर के आसपास अंदर आना पड़ेगा और यहाँ के बाद से अपना पंडाल कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ का पंडाल काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा पंडाल है यहाँ का। और फिर अभी तो पर्दा खुलेगी नहीं, वो तो खुलेगी अष्टमी या फिर नौमी के आसपास खुलेगी पंडाल का ये पर्दा, जो भी ये पर्दा दिख रही हो। लोग आ चुके सोसराय मोड़ किसान कॉलेज के पास और किसान कॉलेज से पहले जस्ट पहले ही आपको मिले करुणा बाग, वहाँ पे दुर्गा माता का पंडाल यहाँ पे बिल्कुल ही भव्य रूप में बहुत ही अच्छी पंडाल यहाँ पे बनती है। और यहाँ पे देखो दुर्गा माता विराजमान होते हैं, जो कि अभी मूर्ति बनी रही है, बनने के बाद यहाँ पे स्थापना किया जाएगा। प्लस करनाबाग का ये एक पंडाल है और एक और उधर के साइड पंडाल है करनाबाग का। इसके आगे जाओगे ना तो पकड़ी पर मिलेगी, वहाँ का भी पंडाल आपको दिखाने वाले, क्योंकि पकड़ी पर ना काफ़ी फेमस सा अच्छा जैसा पंडाल बनती है, तो वहाँ भी अभी आपको जस्ट दिखाने वाले हैं गाइस। सोसराय में और सोसराय का एक यूनिक सा पंडाल जो कि हर साल बैठते दोनों साइड से, एक उस साइड बैठती है तो एक इस साइड बैठती है। तो ये पंडाल देखने के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा गाइस नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अपन लोग इस वीडियो में आपको ये पंडाल नहीं दिखाएंगे, जो भी आने वाली वीडियो होगी ना उसमें दिखाएंगे। और फिर ये बिल्कुल सोसराय किसान सिनेमा हॉल है ना, उसके बिल्कुल ही सामने में ही है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पंडाल के बारे में दिखाएंगे। प्लस बिहार सरकार का जो टॉप 5 पंडाल होगी ना, सबसे बड़ा वाला पंडाल, वो भी पंडाल दिखाएंगे। तो बस वीडियो में बने रहना गाइस, तो अभी दिखाते हैं आपको और ही पंडाल इस पंडाल को छोड़ के गाइस, क्योंकि ये पंडाल में ना कुछ अलग सा ही सीन है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। गाइस अभी अपन लोग आ चुके हैं पकड़ी पर और फिर यहाँ पे काफ़ी फेमस, काफ़ी अच्छा वाला यहाँ पे मूर्ति बैठते, प्लस पंडाल काफ़ी अच्छा बनता है। इस बार कुछ अलग तरीके का ही पंडाल बन रही है और पकड़ी पर ना हर एक साल एक यूनिक सा ही पंडाल बनती है,
तो इस बार भी काफी अच्छा बन रहा है। पहले के साइड कभी कभी गुफा बनता था, कभी क्या बनता था, हर बार हमेशा अलग अलग ही बनता था, और इस बार भी कुछ अलग ही बन रहा है। हालांकि अभी मूर्ति अंदर पे काम चल रही है मूर्ति का, और फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किसान कॉलेज उधर है, और किसान कॉलेज के बिल्कुल ही थोड़ा सा आ गया होगा ना तो आपको पगड़ी पर का ये पंडाल, दुर्गा माता का पंडाल मिल जाएगी, और यहाँ से सामने जाओगे ना आप तो उधर आपको 17 नंबर बाईपास मिल जाएगी। सो आज का वीडियो अपन लोग यहाँ पे सोच रहे एंड करने के लिए गाइस, क्योंकि अभी आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी ना वो काफ़ी अलग वीडियो मिलने वाली है, उसमें काफ़ी बड़ा बड़ा सा पंडाल दिखाने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइस, हर हर महादेव, बाय बाय।